दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम अभिलाष बागी। दोस्तों, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहांत होने के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। कहने को तो मैनपुरी सपा का घर है और सरकार किसी की भी हो, लेकिन मैनपुरी में चलती सपाइयों की ही है। लेकिन 14 नवंबर को नामांकन करने पहुंची डिंपल यादव के साथ अखिलेश भी थे। वहां मौजूद दरोगा ने ऐसा कारनामा कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दरोगा के इस कारनामे से वहां मौजूद सपाई आग बबूला हो गए। दोस्तों, हुआ यह कि दरोगा ने अपने वर्दी का धौंस दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की गाड़ी रोक ली और कहा, गाड़ी से नीचे उतरो और पैदल जाओ, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। गाड़ी नहीं जाएगी, बैरियर लगा दो, बैरियर लगा दो, नहीं से बैरियर लगाओ, नहीं से हाँ बैठो, बैरियर लगेगा, नहीं हटो, चल पैदल। मीटर मैडम लाइए, प्रत्याशी बांध दीजिए, प्रत्याशी उधर से उतारिए सर, उधर प्रत्याशी बांध दीजिए, उधर कहाँ, इधर बैठिए, इधर, हाँ 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 हाँ, प्रत्याशी लाइए, प्रत्याशी लाइए ना, लाइए थोड़ा इनको पीछे करो, पीछे करो, आप लोग साइड में, आप लोग साइड में हो जाए, आप लोग पीछे हो जाइए, साइड में हो जाइए, आप लोग पीछे अखिलेश यादव और